वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 15। इफ टेन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, ये साइड इसकी इक्वल दी हुई है पाई बाई 4 के। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। हम इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x into y। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स ये हो गया हमारा x का काम करेगा और ये किसका करेगा, y का काम। तो x माइनस 1 बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 ये हो गया x प्लस y, 1 माइनस x इंटू y, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 की 1 है, ठीक है। अब ये तो हमारा tan इनवर्स है, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। अब ये इधर ही रख लेते हैं इसको, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करें, एलसीएम की तरह आ गया x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम आ गया हमारा, x माइनस 2 से कैंसिल हो x प्लस 2, तो x माइनस 1 x प्लस 2, x प्लस 2 से डिवाइड हुआ x प्लस 1 x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई ये एलसीएम की तरह आ गया x माइनस 2 x प्लस 2, ये कितना आ गया x माइनस 2 1, इसके नीचे तो 1 समझ सकते हैं, 1 से डिवाइड होगा तो क्या x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीडी आ गया माइनस x माइनस 2 और x प्लस 2, डिनोमिनेटर क्या है हमारा x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइड किया तो 1, तो क्या बचा x माइनस 1, सर हमने एलसीएम लिया x प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4, यहां लिख देते हैं बीच में टाइम इनवर्स यहां लिख देते हैं, यहां लिखा जाता है। अब ध्यान दें, ये तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये क्या आया, टाइम इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 और बीच में प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 a माइनस, अब ये फॉर्मूला नेक्स्ट में लगा देते हैं, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो दिस इंप्लाइज, देखें भाई, tan इनवर्स इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स इसको मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस टू और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं इसपे, तो क्या बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हमने इसको पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं किया, आइडेंटिटी लगा दी हमने ए माइनस बी ए प्लस बी की, इस पे भी a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो दिस इंप्लाइज tan इनवर्स, देखिए एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x कैंसिल हो गया, x भी हमारा कैंसिल हो गया और माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू पाई बाई 4। तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 3 इक्वल टू उधर भी जाएगा तो 10 क्या बन जाएगा, 10 पाई बाई 4, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर 4 उधर ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना हो गया 1,
तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स की वैल्यू टू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वेयर रूट में, तो प्लस माइनस वन बाई रूट टू, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड वैल्यूज ऑफ 16, 17 एंड 19, तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ साइन और साइन 2 पाई बाई 3। अब आपने सभी क्वेश्चन में की है, ये किया है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल होता है, किया है आपने, बट ये तभी होता है जब मेरा एक्स, ये फंक्शन इनवर्स कौन सा साइन इनवर्स है, तो एक्स मेरा साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, तभी होता है। और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है माइनस 90 to 90, ये तभी होता है, अदरवाइज नहीं होता। अब यहां पर देखो पाई बाई 3 कितना है 62 जा 120, 120 डिग्री इसमें लाइक नहीं करता माइनस 90 to 90 में, इसलिए ऐसा नहीं है साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल आ जाएगा, नहीं 2 पाई बाई 3 नहीं आएगा इसका आंसर। आपको इसमें क्या लाना है, 2 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 120 है, 80 में से 60 माइनस कर दें 120 आ गया, पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है भाई, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई होता है पाई प्लस हो या पाई माइनस हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होती। अब साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स की इक्वल होगा, सिंस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 था, ये आ गया आंसर हमारा। अब क्यों हुआ साइन इनवर्स साइन एक्स, क्योंकि अब हमारा जो एंगल है कहां पे लाई करता है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में, टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स की इक्वल होता है, बट तब होता है जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करे, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस 90 to 90 ओपन इंटरवल होती है, इसको भी लाना पड़ेगा। तो इसको भी कैसे करेंगे, टेन इनवर्स टेन पाई माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब पाई बाई 4 का मतलब होता है 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई किया 135, तो 180 माइनस 45, दिस इज टेन इनवर्स टेन पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और पाई होते नो चेंज, माइनस 10 पाई बाई 4, और तो 10 इनवर्स पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये आपने 2.1 एक्सरसाइज में अच्छी तरह क्वेश्चन किए हैं, 10 इनवर्स माइनस एक्स, लिख देता हूं सिंस 10 इनवर्स माइनस एक्स माइनस 10 इनवर्स एक्स के होता है, किया है तो माइनस 10 इनवर्स एक्स। अब 1 देखना है आपने किसकी वैल्यू होती है, माइनस आ गया, चाहे साइन इनवर्स हो चाहे हमारा कोसेक इनवर्स हो चाहे टेन इनवर्स हो, आगे माइनस आ जाता है, ये प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की माइनस। अब 1 देखो किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, ठीक है। अब इसी तरह हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कॉस इनवर्स, तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, अब ये नहीं है कोस से कोस कट गया, नहीं 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब है 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई किया 210 डिग्री 210, और 210 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या कहें रेंज 0 टू 180 क्लोज इंटरवल होती है 0 से 180, और 180 में नहीं आता ये, तो कोस इनवर्स पाई में नो चेंज, कोस का कोस रहेगा, बट इसमें गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो कॉस इनवर्स कोस 30 की वैल्यू कितनी है रूट 3/2। अब कोस इनवर्स माइनस एक्स, जैसे कि हमने 2.1 एक्सरसाइज में किया है, कोस इनवर्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली थी हमने, कोस इनवर्स हो कोट इनवर्स हो या सेक इनवर्स हो, माइनस हो तो पाई माइनस, क्योंकि पहले ही देता हूं यहां पे फॉर्मूला, सिंस कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है ये, तो पाई माइनस, अब कोस इनवर्स एक्स पॉजिटिव लिखने के लिए बस आपने इसके एंगल की वैल्यू लिख देनी है,
रूट थ्री बाई टू किस एंगल की वैल्यू होती है कोस की, किसकी होती है 30 की, तो कितना आ गया 5/6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड वैल्यूज ऑफ, क्वेश्चन 20 और 21 दोनों सेम है और दोनों में हमने वैल्यूज निकालनी है इनकी, वन मार्क्स में क्वेश्चन आता पेपर में। साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, आप स्टूडेंट्स देखें साइन के बाद जो ये लिखा हुआ है ये एंगल आएगा, एंगल बनेगा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, साइन का एंगल है साइन 5/3, जैसे कि मैंने बताया था साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के होता है, तो माइनस का क्या बन गया प्लस बन गया, और साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में 30 की, समझ आ गया आपको। सिंस मैं लिख देता हूं साइन ये हो गया 60, ये हो गया 30, कितना बन गया 90 बन गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। हमने किसका यूज किया है सिंस साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यहां पे अलग से मैं देखो मैं वैल्यू निकाल के दिखाता हूं, अभी भी हमने किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी कि साइन इनवर्स हो कोसेक इनवर्स हो टेन इनवर्स हो माइनस माइनस हो तो माइनस लिखना है आपने। फिर एंगल देखना है, ये 1/2 है, किस एंगल की वैल्यू होती है साइन इनवर्स है तो साइन के एंगल की वैल्यू देखनी है, वो लिख देना है बस। इसी तरह नेक्स्ट टेन इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसकी वैल्यू होती है, अब माइनस तो है नहीं, माइनस होता तो फिर माइनस आता आगे, टेन इनवर्स माइनस एक्स होता यहाँ पे सपोज माइनस होगा तो क्या हो जाता माइनस आगे आ जाता, माइनस नहीं है, सिर्फ आपने रूट थ्री देखना है। टेन इनवर्स रूट थ्री का मतलब है टेन के किस एंगल की वैल्यू रूट थ्री होती है 60 की होती है माइनस, कोट इनवर्स है कोट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोट इनवर्स माइनस एक्स पता है ना आपको किसके इक्वल होता है पाई माइनस इसके इक्वल होता है, तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब आपने इसकी वैल्यू लिखनी है रूट थ्री किस एंगल की वैल्यू होती है 30 की, तो 5/3 माइनस इसमें से माइनस करेंगे 5/6 एलसीएम ले लेंगे कितना आ गया 6 2 पाई माइनस 5/5 ये 6 होगा, तो ये हो गया हमारा माइनस, इसको कैंसिल करेंगे माइनस 5/2 हमारा आंसर। और हमने यहां पे किसका यूज किया है सिंस कोट इनवर्स माइनस एक्स इसमें पाई होता भाई पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है, आगे हमारा माइनस 5/2 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। अब देखें स्टूडेंट्स बाहर 10 है तो अंदर हमें 10 इनवर्स का फॉर्मूला बनाना है, यानी कि अंदर 10 इनवर्स आएगा तो 10 से 10 इनवर्स कटा तो थीटा बच जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे, जैसे याद हो आपको साइन थीटा पी वाई एच, मान लो हमारे पास 3/5 रखा है आपने 10th क्लास में किया था, साइन थीटा से आप ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा भी निकाल सकते हैं आप टेन थीटा भी निकाल सकते हैं कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको क्या चाहिए बेस और चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली साइन इनवर्स मैंने इसका थोड़ा प्रूफ भी है वो करवा रखा मैंने पहली वीडियो में, साइन इनवर्स पी बाई एच जैसे साइन थीटा पी बाई एच होता है ना, देखो मैं इसका प्रूफ बताता हूं, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच और टेन थीटा क्या होता है बी बाई पी बाई बी, तो यहां से थीटा निकला थीटा क्या होगा साइन इनवर्स पी बाई एच और यहां पे थीटा आ गया टेन इनवर्स पी बाई बी, तो साइन इनवर्स थीटा दोनों सेम है साइन इनवर्स पी बाई एच टेन इनवर्स परपेंडिकुलर का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। उसी तरह से मान लो कोस इनवर्स की बात करें कोस में क्या होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन इनवर्स को मैं टेन इनवर्स में चेंज कर रहा हूं, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, अब बेस सही है आपको पता है ये हमारी साइड थ्री है
और ये 5 है, तो ये कितनी आएगी? श्योर है 4 आएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, या वैसे ही पता है हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, और cot इनवर्स x, cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है? सिंस tan इनवर्स 1 बाई x या cot इनवर्स x होता है tan इनवर्स 1 बाई x के। तो tan इनवर्स 1 बाई x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 बाई 3 हो जाएगा। अब हम इस पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x y, तो tan, तो tan इनवर्स x प्लस y 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 3। अब ये समझ में आ गया ना आपको? ये बाहर tan है, इसको भी मैंने tan इनवर्स में चेंज कर लिया। ये पता है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाई बेस फॉर्मूला होता है tan का, tan इनवर्स। और cot इनवर्स तो आपको पता है tan इनवर्स 1 बाई x होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया हमने, कुछ नहीं किया, 1 बाई 3 बाई 4 इंटू 2 बाई 3। तो tan tan इनवर्स एलसीएम कितना आ गया? 12, 3 3 जा 9, 4 4 2 जा 8, 12 3, ये 12 आया, तो ये कितना आ गया हमारा? 12 माइनस 1, 3 2 जा 6, 12 से 12 कैंसिल, ऑस्कोरम कर देता हूं मैं। नॉर्मल क्वेश्चन में फॉर्मूले यूज कर रहे हैं आपने, tan tan इनवर्स कितना गया? 17, 12 से तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 12 है, 17 बाई 6। और tan tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है? x के होता है, तो कितना आ गया? 17 बाई 6। इसका क्या गया हमारा आंसर आ गया।